वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम स्टील एथरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो सेल स्टॉक की बात की जाए तो आज के मोमेंट देखी जाए तो एक ही डेली चार्ट फ्रेम की कैंडल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी एक किसी डोजी से कैंडल पैटर्न फॉर्म हो चुका है, यानी कि फिर से आज देख सकते हो कि 76 लेवल पे यहाँ पे रजिस्टर लेता हुआ नजर आ चुका है सेल स्टॉक। यानी कि देखा जाए तो काफी दिनों से 76 लेवल पे यहाँ पे रजिस्टर बनाता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि 76 लेवल इंपॉर्टेंट बनी चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में ब्रेकआउट भी दिया था 76 लेवल पे, ऊपर सेटल नहीं हो पाया। तो आज क्लोजिंग दे सकते हो कि 75.05 पे क्लोजिंग दे चुका है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक, यानी कि 75 पैसे की गिरावट, तकरीबन 1% तक गिरावट देखने को मिले सेल स्टॉक में आज के दिन में। और नीचे की मूवमेंट भी देखी जाए तो नीचे कहाँ तक आने के चांसेस है, पर 75 लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि 75 को ब्रेकआउट मिलता है तो इजीली 74 और 73 तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। लास्ट मंथ में तो 70 लेवल को टच किया था, तो यहाँ पे बेरिश मूवमेंट होती है तो 70 तक आने के भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं सेल स्टॉक में। पर रिसेंटली यहाँ पे 2400 मूवमेंट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है दो लेवल के बीच में। वैसे भी यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट फ्रेम भी देखा जाए सेल स्टॉक के लिए तो करंटली मूवमेंट भी देख सकते हो 15 मिनट में कैसे मूवमेंट की थी सेल स्टॉक ने। तो यहाँ पे आज के दिन की मूवमेंट देखी जाए तो आज गिरावट के बाद एक रिकवरी भी दिखाई है और 75 लेवल के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। पर करंटली ऊपर जाएगा तो 76 लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी दिनों से उस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका है, जबकि उसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा उछाल भी देखने को मिल सकता है और एक ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं सेल स्टॉक के अंदर। नीचे की लेवल देखी जाए तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं 74.5 लेवल जो सपोर्टिव लेवल पहले से है, तो उसको ब्रेक करता है तो 74 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।